सैटरडे के दिन बहुत शुभ होता है नींबू मिर्ची खरीदना और किसी भी ईवल आई को बॉर्ड करना. मुझे लगता है ये टोटका हमेशा से सब फॉलो करते हैं. अपने घरों में लोग फॉलो करते हैं, अपनी गाड़ियों के लिए लोग फॉलो करते हैं, बिजनेस यू नो अगर शॉप हो किसी की वो लोग भी यूज़ करते हैं. तो ये तो मुझे लगता है ये एक बहुत पुराना टोटका है जो सभी विश्वास रखते हैं. यू नो एक नींबू और सात चिलीज. सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई वांटेड टू गिव इट टू द रिक्शा वाला ब्रदर्स ऑफ माइन हु हैव यू नो दे कम टू यूज ऑफ यू नो दे आर ग्रेट ग्रेट पीपल. बिकॉज आई थिंक मेरी जो पहले की ज़िंदगी थी जो जब मैं मॉडल थी तो मैं रिक्शा में ही घूमती थी हमेशा. तो मैंने सोचा चलो आज रिक्शा वालों को हम लोग बांटेंगे नींबू मिर्ची. तो मेरे गाड़ी में हमेशा नींबू मिर्ची सैटरडे के दिन मेरा जो ड्राइवर है नारायण वो खरीद के लगाता है. और घर पे इन टर्म्स ऑफ यू नो लाइक लिटिल फॉर जो एक घर का अच्छा माहौल बनाने के लिए हम लोग रोज़ शाम को एक धूप करते हैं, एक छोटी सी आरती करते हैं घर में और दिए जलाते हैं. कि नज़र में विश्वास रखती हूँ सिर्फ, पहले तो नहीं रखती थी लेकिन जब से फिल्म इंडस्ट्री में आई हूँ क्योंकि हमेशा एक्सपोजर रहता है बहुत लोगों के. पता नहीं किसके मन में क्या है कि कोई अच्छा आपका चाहता है कि नहीं, आपको कभी नहीं पता. आप ऐसा सोचना ज़रूर चाहते हैं कि दुनिया में सब आपका अच्छा सोचे पर ऐसा होता नहीं है. बहुत बार लोग थोड़े बहुत सेल्फिश ग्रीडी या जेलस हो जाते हैं तो कभी कभी बुरी नज़र पे थोड़ा सा विश्वास हो गया है मुझे. क्योंकि मैं कभी कभी जब इवेंट्स करती हूँ और जब सब बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ द नेक्स्ट डे. सो तब मम्मी अगर बोलती है कि नज़र लग गई थोड़ा सा यू नो डू सम नज़र उतार देती हूँ बेटी की. तो मम्मी कभी कभी नज़र निकाल देती है सैटरडे के दिन. इस बार बहुत यू नो जयपुर में बहुत अच्छे दर्शन हुए मुझे श्री काले हनुमान जी के. वहाँ पे मेरी नज़र भी उतारी गई तो बहुत एक प्रोटेक्टिव सी फीलिंग आती है. कालीघाट में बहुत अच्छा लगा क्योंकि बचपन से मम्मी चाहती थी कि मैं मम्मी पापा के साथ जाऊँ और दैट्स व्हाई आई फ्लू माय मदर डाउन. मेरे पापा कलकत्ते में ही थे तो वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि बहुत अच्छे से बहुत प्यार से हमारी बहुत अच्छी पूजा हुई.